आज मैं आपके लिए एकदम खिली खिली साबूदाने की खिचड़ी की रेसिपी लेके आई हूँ। ये साबूदाने की खिचड़ी बनाना बहुत ही आसान है, तो आइए बिना देर किए शुरू कर लेते हैं अपनी खिली खिली साबूदाने की खिचड़ी बनाना। तो यहाँ पे मैंने एक कप साबूदाना लिया है। अब इसे दो बार हमें साफ़ पानी से अच्छे से धुल लेना है। तो आपको इसको धुलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये देखिए, हाथ से मसलते हुए हम अच्छे से इसे धुल लेंगे और इसके बाद ये देखिए इसका पानी हम छान लेंगे। ये इसका सारा पानी हम छान लेंगे, फिर ये सेम प्रोसेस एक बार और करेंगे। अच्छे से इसे हाथ से मसलते हुए हमें धुलना है। देखिए, लेके अच्छे से हम इसे मसलते हुए धुल लेंगे और फिर उसके बाद ये देखिए इसमें हम आधा कप पानी ऐड करेंगे। एक कप मैंने साबूदाना लिया था तो आधा कप पानी हम लेंगे, ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना है। ये देखिए जस्ट लेवल तक पानी आना चाहिए, ये देखिए लेवल तक ही पानी है। अब इसे हम ढक के 7 से 8 घंटे के लिए रख देंगे, या ओवरनाइट भी आप रख सकते हैं। 7 से 8 घंटे के लिए आप ज़रूर इसे रखें सोख होने के लिए, तभी ये अच्छे से खिले खिले बनेंगे। तो ये देखिए 7 से 8 घंटे के बाद मैं इसे देख रही हूँ, ये एकदम खिला खिला अलग, दाना दाना एकदम अलग है इसका। ये देखिए मैं आपको दबा के दिखा रही हूँ प्रेस करके कि कैसे अच्छे से अंदर तक तैयार हो गया है और एकदम खिली खिली साबूदाना बनके तैयार हुआ है हमारा। तो अब हम खिचड़ी बनाना तैयार करते हैं। तो गैस पे मैंने 1.5 टेबल स्पून देसी घी रख दी है गर्म होने के लिए और फिर हम इसमें 1/4 कप मूँगफली लेके भून लेंगे अच्छे से। इससे क्या होता है, मूँगफली से बहुत ही अच्छा क्रंची टेस्ट आता है, तो इसके लिए हम इसे भून लेंगे अच्छे से। ये देखिए बहुत ही अच्छा कलर आ गया है, तो हम इसे निकाल लेंगे। अब बहुत ज़्यादा इसे लाल ना करें। अब उसी घी में हम ऐड करेंगे 1 छोटा चम्मच जीरा और इसे अच्छे से हम तड़कने देंगे। ये देखिए अच्छे से इसे स्प्लटर हो जाने दें। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 इंच अदरक और 2 हरी मिर्च। अदरक को मैंने ग्रेट कर लिया है और 2 हरी मिर्च को बारीक काट लिया है। अब इसे 1 मिनट के लिए हम पका लेंगे। देखिए, आप चाहें तो हरी मिर्च और ऐड कर सकते हैं अगर आपको तीखापन पसंद हो तो। यहाँ पे मैंने 1 उबला हुआ आलू इसमें ऐड किया है, उसे मीडियम आकार का काट के। यहाँ पे मैंने उबले हुए आलू का यूज़ किया है, आप चाहें तो कच्चे आलू का भी यूज़ कर सकते हैं। 2 मिनट के लिए पका लेंगे इसे हम और थोड़ा सा नमक इस स्टेज पे हम ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैंने सेंधा नमक का यूज़ किया है जो व्रत में खाया जाता है। मिक्स कर लें इसे, 2 मिनट के लिए पका लें। तो अब हम इसमें ये साबूदाना लेके ऐड कर देंगे। आप देख रहे हैं कि इसके दाने दाने कैसे अलग हैं। जो मैंने आपको टिप्स बताई है आप भी उसी तरीके से साबूदाना सोक करेंगे तो आपका साबूदाना भी एकदम खिला खिला बनेगा। ये देखिए इसके दाने दाने एकदम अलग हैं। आप साबूदाने को भीगने के लिए अच्छा समय दें तो ये ऐसे ही खिले खिले बनेंगे। तो मैंने भी इसे 7 से 8 घंटे के लिए सोख होने के लिए रखा था, इसीलिए अलग अलग है। और आप इसमें बहुत ज़्यादा पानी भी ना ऐड करें। अब मैं यहाँ पे 1/2 छोटी चम्मच काली मिर्च का पाउडर ऐड करूँगी और थोड़ा सा सेंधा नमक और ऐड करेंगे। शुरुआत में भी मैंने ऐड किया था आलू के साथ और अभी भी थोड़ा सा ऐड किया है। आप स्वाद अनुसार ही नमक ऐड करें। मिक्स कर लें इसे। अब हम इसे ढक देंगे लो फ्लेम पर 3 मिनट के लिए कि साबूदाना अंदर तक अच्छे से पक जाए। इससे क्या होगा कि साबूदाना अंदर तक पक जाएगा। फिर मैंने ढक्कन हटाया इसका, एक बार फिर चला लेंगे। ये देखिए अच्छे से पक चुका है, ये ट्रांसपेरेंट हो रहा है। तो एक बार और हम इसे 2 मिनट के लिए ढक देंगे लो फ्लेम पे ही। आप देख रहे हैं इसके दाने दाने कैसे एकदम अलग हैं, खिले खिले बने हैं। तो फिर इसे ढक देंगे और फिर ये देखिए मैंने इसका ढक्कन हटाया है तो साबूदाना एकदम अच्छे से पक चुका है। अब लास्ट में इसमें हम 1 छोटा चम्मच नींबू का रस ऐड कर देंगे, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। और बारीक कटी हुई धनिया की पत्ती ऐड कर लेंगे
और इसको मिक्स कर लेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने इसे मिला लिया है, मिक्स कर लें इसे। और ये देखिए, और फिर लास्ट में हम मूंगफली के दाने इसमें ऐड कर देंगे। देखिए इसे मिला लें, देखिए कितनी सुंदर दिख रही है खिचड़ी। तो अब मूंगफली के दाने हम यहाँ पे मिला लेंगे इसमें, जो मैंने रोस्ट करके रखे थे। आप चाहें तो यहाँ पे मूंगफली को क्रश करके भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये खड़े खड़े अच्छे लगते हैं, तो इसलिए मैंने इसे ऐसे ऐड किया है। तो ये हमारी परफेक्ट साबूदाने की खिचड़ी बनके तैयार है। तो अब हम इसे निकाल लेंगे, सर्व करेंगे। ये देखिए कितनी परफेक्ट साबूदाने की खिचड़ी बनी है। तो आप भी अगर इस तरह से साबूदाने की खिचड़ी बनाएंगे तो कभी भी आपकी खिचड़ी चिपचिपी नहीं बनेगी, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा, एकदम परफेक्ट आपकी साबूदाने की खिचड़ी बनेगी। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ फैला के कि कैसे इसके दाने दाने एकदम मोतियों की तरह अलग हैं। तो ये एकदम परफेक्ट तरीका है साबूदाने की खिचड़ी बनाने का, बहुत ही टेस्टी लगती है ये साबूदाने की खिचड़ी। तो आप भी किसी भी व्रत उपवास में ये रेसिपी ट्राई कर सकते हैं।